बचने के लिए जरूरतमंदों को गर्म और ऊनी कपड़े मिल जाए, इससे बड़ी क्या सौगात हो सकती है। जनसहारा फाउंडेशन के तत्वाधान में जरूरतमंदों को गर्म व ऊनी कपड़े वितरित किए गए, जिससे उनके चेहरे खिल उठे। कुछ ने तो तुरंत ही कपड़े पहनकर आनंद की अनुभूति की, क्योंकि वे पिछले कई दिनों से गर्म कपड़ों के अभाव से ठंड में ठिठुर रहे थे। फाउंडेशन के अध्यक्ष अंजलि दत्ता, ऋतु पांडे सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य हाथों में गर्म कपड़े लेकर चित्रा चौराहे पहुंचे। फाउंडेशन ने जैसे ही गर्म व ऊनी कपड़े वितरण करना शुरू किया, तो देखते ही देखते बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं सभी गर्म व ऊनी कपड़े लेने के लिए एकत्रित हो गए। फाउंडेशन द्वारा सभी को उनके नाप अनुसार एक एक कर गर्म व ऊनी कपड़े वितरित किए गए। जैसे जैसे जरूरतमंदों को सर्द रात में गर्म व ऊनी कपड़े मिल रहे हैं, उनके चेहरे खिलते नजर आ रहे हैं। इसमें से अधिकतर ने तो बिना देर किए तुरंत ही फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए गए गर्म व ऊनी कपड़ों को पहनकर ठंड से राहत महसूस की। फाउंडेशन की अध्यक्ष अंजलि दत्ता ने कहा कि कुछ जरूरतमंद लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत मजदूरी करने के बाद भी दो वक्त की रोटी नहीं कमा पाते, तो वे गर्म व ऊनी कपड़े कैसे खरीदेंगे। ऐसे में उनके पास ठंड में ठिठुरने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। इस कारण फाउंडेशन द्वारा अभियान प्रारंभ किया गया है। वहीं इसके उपरांत फाउंडेशन की उपाध्यक्ष सुनीता चौहान एवं कीर्ति साक्या ने सभी को चाय पिलाई। इस पहल में फाउंडेशन के दो नन्हे सदस्य वैष्णवी पांडे और वैनवी दत्ता ने भी अपना योगदान दिया। संवाददाता पुनीत श्रीवास्तव के साथ राकेश कुशवाहा की रिपोर्ट।